फ्रेंड्स hey आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग ऐसे जिसका नाम है नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक साइन और जिसे लिखा था एक स्विस राइटर मीन्स स्विट्जरलैंड की राइटर फर्डिनेशन ने तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिंग्विस्टिक और लिंग्विस्ट को लिंग्विस्टिक का मतलब है स्टडी ऑफ लैंग्वेज किसी भी भाषा के बारे में स्टडी करना लिंग्विस्टिक कहलाता है और जो इंसान इन लैंग्वेज की स्टडी करता है उन्हें कहते हैं लिंग्विस्ट फर्डिनद शिश्यर भी एक लिंग्विस्ट थे और लिंग्विस्ट होने के साथ साथ उन्हें फादर ऑफ़ सिमियोटिक्स भी कहा जाता है अब हम बात करते हैं सिमियोटिक्स की सीम्योटिक्स होता है स्टडी ऑफ साइन एग्जाम्पल के लिए रेड क्रॉस साइन ये इंडिकेट करता है हॉस्पिटल को स्क्रीन में आपको और भी डिफरेंट तरह के साइन दिखेंगे इनके बारे में स्टडी करना सिम्नोटिक्स कहलाता है लिंग्विस्टिक साइन अ लिंग्विस्टिक साइन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज 1906 और 1911 के बीच में फर्देंद ने यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में कुछ लेक्चर्स दिए थे और बाद में उनके लेक्चर्स के नोट्स के बेस पर उनके दो स्टूडेंट चार्ल्स बेले एंड एल्बर शीशे ने 1916 में एक बुक पब्लिश कराई जिसका नाम था कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स जिसमें उन्होंने साइन की एक डेफिनेशन दी थी द टोटल रिजल्टेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज कॉल्ड साइन क्लासिफिकेशन ऑफ साइन सिग्निफायर इट इज ऑल्सो नोन एज साउंड इमेज ये साउंड प्रिंटेड वर्ड इमेज भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल गोट ऑक्स फ्लावर क्राउन एप्पल या क्राउड नंबर टू सिग्निफाइड सिग्निफाइड इज़ द कॉन्सेप्ट द मीनिंग और आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय अ सिग्निफायर फॉर एग्जाम्पल गोट ऑक्स फ्लार सिंपल वर्ड्स में साउंड और थॉट्स साउंड जैसे कि गोट जी ओ ए टी थॉट गोट की इमेज सो गोट का साउंड सिग्निफायर है और उसके बारे में सुनकर माइंड में जो इमेज बनती है दैट इज सिग्निफाइड मान लीजिए कि लैंग्वेज एक सीट ऑफ पेपर है जिसका एक साइड है साउंड और दूसरा साइड है थॉट अब आप बिना दूसरा साइड कट किए पहला साइड कट नहीं कर सकते सिग्निफायर और सिग्निफाइड इन दोनों के बीच रिलेशन आर्बिटरी होता है आर्बिटरी मीन्स रैंडम और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कि किसी भी वर्ड को डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट तरह से बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल गुड को स्पेनिश में काबरा कहते हैं अगर एक स्पेनिश व्यक्ति जिसे इंग्लिश नहाती हो उसे एक वर्ड कहा जाए गोट तो क्या उसके माइंड में गोट की इमेज बनेगी नहीं अगर उसे काबरा कहा जाए तो उसके माइंड में गोट की इमेज ज़रूर बन जाएगी जैसे कि वाइट कलर क्रिश्चियन में वाइट कलर है मैरिज का सिंबल अगर क्रिश्चियन लोगों से कहा जाए वाइट कलर तो पक्का वो लोग सोचेंगे मैरिज लेकिन अगर एक हिंदू से कहा जाए वाइट कलर दैन इट विल बी लाइक डैथ दैन वाइट कलर का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा वाइट कलर इज़ द सिग्नीफायर डेथ इज द सिग्निफाइड व्हाइट कलर इज़ द सिग्नीफायर मैरिज इज़ द सिग्निफाइड सिग्निफायर चेंज नहीं होता सिग्नीफाइड चेंज हो जाता है इसलिए फर्ड नंद शिशोर सिग्नीफायर को सुपीरियर मानते हैं और सिग्नीफाइड को उतना सुपीरियर नहीं मानते लेकिन सिग्नीफायर सुपीरियर होता है म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटिबिलिटी ऑफ साइन म्यूटबलिटी टेंडेंसी टू चेंज क्योंकि साइन आर्बिटरी होता है इसलिए ये म्यूटेबल होता है बार बार सिग्निफाइड जो है वो चेंज हो जाता है इम्यूटिलिटी नेवर चेंज एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में साइन हमेशा ही इम्यूटेबल होता है क्योंकि सिग्निफाइड चेंज नहीं होता हिंदी में आकाश आकाश जो वर्ड है उसका मतलब हमेशा आसमान से ही होता है उसका मतलब कुछ और नहीं होता और इंग्लिश में चेयर का मीन्स सिर्फ चेयर होता है वो चेंज नहीं होता इसे बोलते हैं इम्यूटिबिलिटी ऑफ साइन वैल्यू वैल्यू इज़ द एलिमेंट ऑफ साइन फॉर एग्जाम्पल स्पेनिश में वर्ड है मामा हिंदी में वर्ड है माँ इंग्लिश मदर डिफरेंट वर्ड्स की इक्वल वैल्यू होती है क्योंकि मीनिंग हमेशा सेम होता है चाहे लैंग्वेज अलग अलग हो लेकिन वर्ड्स की वैल्यू हमेशा सेम होती है लैंग एंड पैरोल। एक कम्युनिटी जो लैंग्वेज का यूज करती है उसे कहते हैं लैंग सपोज एक यूनिवर्सिटी में दो डिपार्टमेंट है अंग्रेजी और हिंदी के अंग्रेजी लैंग्वेज के जो बच्चे हैं और टीचर हैं वे अंग्रेजी का यूज करते हैं बोलने के लिए लेकिन हिंदी डिपार्टमेंट में बच्चे हिंदी बोलते हैं सो टू डिपार्टमेंट्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ लैंग उनकी कम्युनिटी डिफरेंट है लेकिन पैरोल जब वे लोग आउटसाइड आते हैं यूनिवर्सिटी के बाहर होते हैं देन देर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज़ कॉल्ड पैरॉल तब वे जिस तरह की लैंग्वेज का यूज करते हैं दैट इज़ पैरोल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज़ कॉल्ड पैरोल लैंग इज़ द कम्युनिटी नॉलेज पैरोल इज़ द इंडिविजुअल नॉलेज अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक की सिंक्रॉनिक एंड डाइक्रॉनिक सिंक्रॉनिक होता है जब हम एक स्पीच को एक पर्टिकुलर मोमेंट पे देते हैं दैट इज सिंक्रॉनिक एंड डायक्रोनिक डाइक्रॉनिक इज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज सिंटेम एंड पैराडाइम सिंटेम इज अ चेन ऑफ साइन लाइक जैक वॉकड ऑन द टेबल एंड पैराडाइम वैन द वर्ड रिप्लेस बाय अनदर वर्ड्स लाइक जैक जम्पड ओवर द टेबल यहाँ वॉक ड रिप्लेस हुआ है जम्पड से एंड ओवर रिप्लेस हुआ है ऑन से देट इज़ पैराडाइम सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू